तो इससे घटिया बिल्ड क्वालिटी हो नहीं सकती है। तो अभी से एक आने गाने लगी, यानी बहुत सारा रैटलिंग साउंड आने लगे। देखिए, हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आदित्य तन्वी ब्लॉग। आज बहुत दिनों बाद वापस हम लोग लेके आए हैं ओला S1X Plus का वीडियो। ये हमारी स्कूटर है, हमने रिसेंटली इसको लिया हुआ है। तो गाइस ले लिया डिलीवरी, यहाँ पे ओला से हम लोग निकल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ आपको बता दें घर पे जाके। यहाँ पे हमने बहुत सारे फीचर भी समझ लिए। यहाँ पर इसका पूरा डिटेल में बात करेंगे, इस स्कूटर के बारे में इसका पूरा स्पेसिफिकेशन बताएंगे, फीचर बताएंगे, कितनी रेंज देती, सारा डिटेल बताएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपके जो भी सवाल होंगे आप कमेंट में लिख दीजिए, हमने इस स्कूटर से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो एक बार आप लोग को वॉक अराउंड करा देते हैं। तो इस तरह का कुछ इसका लुक है ओवरऑल। अगर आप देखोगे, हमने ये कलर चूज किया, एक्चुअली आदित्य ने चूज किया है। ये पूरा वॉक अराउंड आपको करा देता हूँ मैं। ये मैंने नंबर प्लेट ऐसे घुमाया हुआ क्यों है वो भी आप लोग को बताऊंगा। हो गया गाड़ी का वॉक अराउंड, ये देख लीजिए इस तरह से गाड़ी है। अब एक एक चीजों की बात कर लेते हैं थोड़ी डिटेल में। सो इस तरह का गाड़ी है, यहाँ पे ओला का लोगो आ जाता है। इस तरह का लुक है, ये तो आपको पता ही है। इस तरह का आगे का लुक है, यहाँ पे आपको देख लो LED का प्लेसमेंट मिल जाता है हेडलैम्प में। और ये जो वाला ये जो है ना DRL, ये जलता नहीं है। तो ये ऐसे ही है, इस मॉडल में वो जलता नहीं, काम नहीं करता। ये दोनों ही जलते हैं, मैं आपको स्टार्ट करके बताता हूँ। तो स्कूटर पर बैठने के बाद देखिए इस तरह से आपकी एक लाइट ऑन हो जाती है, ये कंटिन्यू ऑन रहेगी। अगर आपको चाहिए दूसरी लाइट तो भी आप ऑन कर सकते हो, अभी दोनों आपको दिख रही होगी, दोनों लाइट ऑन है। तो इस तरह का यहाँ पे लाइट का सेटअप है। टर्न इंडिकेटर जहाँ पे आपको दिख रहा है, तो इस तरह से टर्न इंडिकेटर मैंने ऑन कर दिया। इस तरफ का यहाँ से हो जाएगा, ये LED प्लेसमेंट मिल जाता है। ये आपका यहाँ से रिवर्स गियर होता है, यहाँ से आपकी लाइट ऑन होती है। फिलहाल मैं ऑफ कर देता हूँ। दूसरा वाला जो मैंने बताया, ये दोनों टर्न इंडिकेटर आपका, यहाँ पे हॉर्न का प्लेसमेंट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ से आपके पासवर्ड वगैरह डालेंगे, यहाँ से आपको एंटर करना है और यहाँ से आपके मोड चेंज होते हैं। तो इसमें तीन मोड मिल जाता है। अभी मेरी चल रही है, मैं स्टार्ट कर दूँ, ये नॉर्मल पे है, नॉर्मल पे था, अब मैंने इसको प्रेस कर दिया, इको पे आ गई। बाकी चीज़ों की बात कर ले तो यहाँ पे आपको इतना सा स्पेस मिल जाता है और यहाँ पे स्पेस जो मिलता है, यहाँ पे छोटा मोटा सामान आप रख सकते हो। बड़ा ही बकवास सा बिल्ड क्वालिटी है। यहाँ पे देखिए पहले से खुल चुका है ये, यहाँ पे आप 2 किलो तक वेट तक का चीज़ों को हैंग कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे कुछ फुटरेस्ट के लिए मिल जाता है, यहाँ पे इस तरह फुटरेस्ट के लिए मिल जाता है। और ये इसमें मिलता है ड्रम ब्रेक आगे पीछे, 12 इंच का टायर मिल जाता है और ये हब मोटर का प्लेसमेंट है इसमें, ठीक है। ये आप देख लीजिए, एक नई चीज़ ओला में आपको दिखाता हूँ। अगर आपने पुराने स्कूटर देखे होंगे तो वहाँ पे जो ये सॉकअप है ना, एक आते थे यहाँ से 20 से निकलते थे, अभी इन्होंने दोनों साइड कर दिया क्योंकि बहुत टूटने के कंप्लेन आ रहे थे। दोनों ड्रम ब्रेक है, 12 इंच का टायर है, टायर काफ़ी ठीक ठाक सा है, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया है, इसमें कोई शिकायत नहीं है। स्कूटर के लिहाज से अगर आप देखोगे तो इतना सा आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है जो काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये बैठने के लिए चलाने के लिए तो बेस्ट है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं दोनों साइड पे, यहाँ पे टेल लैम्प का प्लेसमेंट, यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर, यहाँ पे आपका नंबर प्लेट। ये आ गया S1X Plus का, यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाता है और यहाँ से ही चार्जिंग पॉइंट है, इसको आप खोल दोगे, यहाँ से आपको चार्ज करना है। चार्जिंग टाइम इसको 7.5 घंटे 7.4 आवर्स लगते हैं 0 to 100 होने के लिए। यहाँ पे पकड़ने के लिए अच्छी सी ग्रिप दी हुई है, सीट थोड़ी कम्फर्टेबल है, काफ़ी चौड़ी दी हुई है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको मैंने फुटरेस्ट बता दिया, हॉर्न बता दिया, यहाँ पे दोनों आपको साइड मिरर मिल जाते हैं। यहाँ पे इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो डिजिटल मिल जाता है, इतना एरिया डिजिटल है। यहाँ पे आपका टोटल रनिंग 603 किलोमीटर, ट्रिप आपका यहाँ दिख जाएगा, यहाँ पे पार्क्ड है। अगर मैं इसको चालू कर देता हूँ नॉर्मल पे दिखेगा क्या आपकी स्पीड है, बैटरी कितनी बची है और कितना किलोमीटर जा सकते हो, टाइमिंग, इतना चीज़ यहाँ पे आपको मिलता है देखने के लिए। तो ये काफ़ी बढ़िया सा डिसेंट सा है, जो इससे हायर वर्जन में जाओगे तो आपको डिजिटल टच स्क्रीन मिल जाता है, इसमें नहीं मिलता है, बट इससे आपका काम चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं चला रहा हूँ, मैं वीडियो लेट क्यों शूट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा एक एक डिटेल जानना था स्कूटर के बारे में, जो मैं 600 किलोमीटर चलाने के बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ। मेरे को इसका डिलीवरी मिला हुआ है 18 अप्रैल को, एक महीने से ज़्यादा, 1.5 महीने चलाने के बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आइए थोड़ी और डिटेल इसकी जानते हैं और आपको इसके डायमेंशन और बाकी के डिटेल और पावर रेंज के बारे में बता देता हूँ। तो इसमें अगर आप इको मोड पर चलोगे तो 151 किलोमीटर की इसकी बैटरी रेंज है, बैटरी कैपेसिटी है 3 किलोवाट, कर्व वेट इसका जो गाड़ी का 116 kg का है और टॉप स्पीड 90 का है और एक्सेलेरेशन जो है 5.5 सेकेंड में आप 40 तक पहुंच सकते हो और 8 ईयर बैटरी वारंटी इसके साथ मुझे आई हुई है। ये बैटरी वारंटी की वजह से मैं स्कूटर के लिए गया कि 8 साल अगर बैटरी वारंटी चल गई तो बहुत बढ़िया है, बैटरी चल गई तो वारंटी नहीं, ठीक है। मोटर पावर है 2.7 किलोवाट का, हब मोटर जैसा मैंने आपको बताया और चार्जिंग टाइम 7.4 आवर। नॉर्मली अगर मेरा 40-30% रहता मैं लगाता हूँ 4 से 5 घंटे में फुल हो जाता है, ठीक है। फ्रंट ब्रेक ड्रम आता है, रियर ड्रम आता है, बॉडी टाइप इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको बता दिया मैंने, चार्जिंग पॉइंट आपको दिखा दिया, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है अगर आप ओला सेंटर पर जाके करते हैं।
मोबाइल कनेक्टिविटी से इसको आप लॉक अनलॉक कर सकते हो, इतना फीचर आपको मिल जाता है मोबाइल के ऐप से, ओला ऐप से, ओला इलेक्ट्रिक ऐप से। ट्रिप मीटर डिजिटल मिलता है, बैटरी वारंटी मैंने बता दिया आपको 8 ईयर्स का मिलता है। रोड साइड असिस्टेंस आप ले सकते हो इसमें, उसके लिए आपको चार्ज देने पड़ते 3000 रुपीज। ये रहा इस ओला S1X Plus स्कूटर के बारे में। बाकी नेविगेशन वगैरह आपको स्क्रीन पे यहाँ पे नहीं मिलती है। और एक चीज़ आपको बता दूँ, इसमें क्रूज कंट्रोल भी मिलता है, हालांकि स्कूटर मैंने वो अभी तक ट्राई नहीं किया है। और इसमें बूस्ट स्पेस काफ़ी बढ़िया मिल जाता है 34 लीटर का, और साथ में गाड़ी के साथ आपको 2 हेलमेट मिल जाते हैं, तो बूस्ट स्पेस जो है वो काफ़ी बढ़िया है। तो मैं एक बार अनलॉक करके आप लोग को दिखा देता हूँ। इसको प्रेस करके रखोगे तो बूट खुल जाएगा, अब ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमारा कुछ सामान है, इसको हटा देते हैं। यहाँ इतना बड़ा आपको बूस्ट स्पेस मिल जाता है, साथ में लोग 2 हेलमेट प्रोवाइड करते हैं, जो इस तरह का हेलमेट है ओला का। बट अच्छी बात है कि ये ISI मार्क्ड वाला है, ISI मार्क का 2 हेलमेट मिल जाता है। ये बढ़िया स्पेस है, अगर आपका एक प्रॉपर लैपटॉप बैग भी इसके अंदर बैठ सकता है, काफ़ी बढ़िया स्पेस है, स्पेस के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ से कुछ स्विच सॉकेट रहता है जो ओपन करके अगर कुछ रिपेयरिंग का काम आता हो यहाँ से करते हैं, तो बूस्ट स्पेस के मामले में काफ़ी बढ़िया है। यहाँ से इसको जैसे आप बंद करोगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा ट्रंक क्लोज्ड, ओपन क्लोज्ड का यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है। बात करें प्राइसिंग का, तो ये हमें, मैं मुंबई से वीडियो शूट कर रहा हूँ, हमने यहाँ पे लिया हुआ है 96,000 में मुझे ऑन रोड ये स्कूटर पड़ी हुई है, 96,000 ऑन रोड इंक्लूडिंग फैम। वो उन्होंने ऑटो डेबिट अकाउंट के हिसाब से एडजस्टमेंट वो हो गया, तो वो फेम के साथ मुझे इतने में ये स्कूटर पड़ा हुआ है। अब बात करें चलाने में कैसी है, तो भैया मैंने इसको काफ़ी कुछ चलाया है। सॉकअप की अगर बात करें, सस्पेंशन जो मैं बोलता हूँ कारों के लिए, अगर सस्पेंशन हार्ड है, अगर आप स्पीड में हो और छोटा मोटा भी ब्रेकर अगर आ रहा है तो ये आपको पटक देती है, थोड़ा वेट रहेगा तो ही ठीक है, वो चीज़ें हैं। तो बाकी चलाने के लिए अच्छी है, मैंने इसको 72 किलोमीटर पर आवर तक मैं भगा चुका हूँ मेरी टेस्टिंग में, तो अच्छी खासी भागती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकिंग ठीक ठाक सा है, जैसा मैंने कहा ड्रम ब्रेक है, तो पीछे का ब्रेक थोड़ा कम लगता है, बट ब्रेकिंग ठीक ठाक सा है, ड्रम ब्रेक ऐसे ही होता है, उसमें कोई शिकायत नहीं है। गाड़ी चलाने में अच्छी है, रेंज बहुत बढ़िया है, स्पीड बढ़िया है, रेंज इसकी मुझे मिल जाती है नॉर्मली 150 किलोमीटर, इको पे लोग बोलते हैं, बट नॉर्मल पे 96-100 किलोमीटर की रेंज मुझे निकाल के दे देती है, तो रेंज गाड़ी की बढ़िया है। बात करें अगर बिल्ड क्वालिटी की, तो इससे घटिया बिल्ड क्वालिटी हो नहीं सकती है ओला की। खैर मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे क्यों कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है, स्कूटर कहीं टच नहीं हुआ, कहीं कुछ लड़ा नहीं, अपने आप से ये नीचे जा रहा है, यहाँ से खुल गया, ये मैंने आपको दिखा दिया, ये अपने आप भाई साहब निकल गए, इनका मन नहीं यहाँ रहने का, ये देख लीजिए। और एक मज़े की बात, यहाँ पे आइए, अभी मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले वीडियो में बताया था कि मैंने इसको क्यों फोल्ड कर रखा है, तो अभी से ये गाने गाने लगे, यानी बहुत सारा रैटलिंग साउंड आने लगे, देखिए 600 किलोमीटर हुआ, 600 नहीं 100 किलोमीटर आवाज़ आने लगा था, तो मैंने इसको यहाँ से फोल्ड कर दिया है ताकि थोड़ा कम हो जाए, बट अभी भी ये बचता ही रहता है। आगे की बात करें तो आगे का भी बहुत बढ़िया सेटअप नहीं दिया इन्होंने, तो बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं है, बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक सा है। हाँ, अगर आप मुझे पूछोगे कि आप रिकमेंड करते हो लेना चाहिए कि नहीं, तो मैं बोलूँगा ये स्कूटर के लिए आप जा सकते हो, आपका पेट्रोल का कॉस्ट बचेगा, रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम है, बाकी क्वालिटी अच्छी है, राइड क्वालिटी अच्छी है, गाड़ी भगा सकते हो, अच्छे से चला सकते हो, 100 किलोमीटर रेंज बहुत ज़्यादा होता है। ओला सर्विस की बात करें तो अभी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, बिल्ड क्वालिटी और सर्विस पे ओला को बहुत काम करने की ज़रूरत है, जो उनको ज़रूर करना चाहिए। आपके स्टेट में अगर फेम सब्सिडी ज़्यादा है तो आपके यहाँ डेफिनेटली ये स्कूटर आपको सस्ता मिल जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में सब्सिडी शायद से कम है, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट वगैरह यहाँ पे है, तो सब मिला के मुझे 96 में पड़ी है। आपके यहाँ ज़रूर चेक करके कमेंट में मुझे बताना कि आपके स्टेट में क्या रेट में ये स्कूटर मिल रहा है। ये है S1X Plus, है ना दीदा, S1X Plus है। इसमें एक दूसरा वेरिएंट आता है 2 किलो बैटरी वाला, वो मैंने नहीं लिया, ये 3 kg है। दूसरी बात है कि इनको जब आप सर्विस के लिए पूछोगे, आपको इंसिस्ट करेंगे 3000 रुपीज़ का इनका एक रोड साइड असिस्टेंस है, वो आप ले लो, बट मेरा रोड, ये गाड़ी चलती 10 किलोमीटर के रेडियस में भी नहीं है, और कम है 8-9 किलोमीटर, तो मैंने वो नहीं लिया। मुझे एक बार प्रॉब्लम आया तो वो लोग वही फिर फोर्स करे, सर आप ले लीजिए, बट मैंने नहीं लिया, वो लोग देखने भी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं किया, बट हमने खुद वीडियो देख के सॉल्व कर लिए। आगे की वीडियो में बताऊंगा अगर ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। और कुछ इस वीडियो के बारे में डिटेल चाहिए तो आप जरूर बताना, हमने मोटर के बारे में बता दिया, प्राइसिंग के बारे में बता दिया, लुक के बारे में बता दिया, बिल्ड क्वालिटी के बारे में बता दिया, सब कुछ ठीक ठाक सा है, अच्छा है ओवरऑल। अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर जितने मार्केट में अवेलेबल उनसे कंपेयर करोगे तो मैं बोलूँगा अच्छा है, बट काफ़ी कुछ चीज़ों में काम करने की ज़रूरत है अभी ओला को। तो ये देखिए, इसका ये साइड स्टैंड इस तरह से आता है, जैसे ही साइड स्टैंड आप लगा दोगे यहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे पार्क करके आ जाएगा और ये स्कूटर आगे नहीं चलेगा जब तक इसको उठाओगे नहीं। जैसे उठाओगे, अब ये हट गया, अब इसको आप नॉर्मल पे स्टार्ट कर सकते हो। ये इसका कुछ फीचर है जो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी है, मैं नहीं कह रहा हूँ। इसका आप अगर ऐप से देखोगे कैसे चलता है, तो आपको मैं मोबाइल में दिखा देता हूँ ऐप कौन सा है।
ये ओला इलेक्ट्रिक करके ऐप है, जहाँ पे दिख रहा है अनलॉक एंड रेडी। ये कभी कभी चलता भी है, कभी कभी रुक जाता है, ये अपनी मर्जी का मालिक है, बट मोस्टली टाइम चलता है। और इससे आप 5 लोगों को एक्सेस दे सकते हो, तो 5 लोग आपके फैमिली के मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं। बार बार पासवर्ड मैनुअल डालने की जरूरत नहीं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आदित्य एंड तन्वी ब्लॉग। स्टे ट्यून्ड विद अस। जय हिंद, जय भारत।